नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के पनीगवा गांव का है। पीड़ित पति मोहम्मद नाजिम ने बताया कि मेरे गांव के सब्बीर, सलीम, जुबैर, मानिशा दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। वो मेरी पत्नी को कट्टा लगाकर कहीं ले गए, साथ में मेरे 8 साल का बेटा भी है। जब उनकी लिखित शिकायत करने थाने मानिकपुर गए तो पुलिस वालों ने वहां से भगा दिया। पुलिस वाले ढूंढने के बजाय दूसरी शादी करने की सलाह दे रही हैं। अपहरणकर्ता रास्ते में रोक कर जान माल की धमकी दे रही हैं और मेरी 14 साल की बेटी को भी धमकी देते हुए कहते हैं कि जहां तेरी माँ है वहीं तुझे भी भेज देंगे। पीड़ित ने बताया कि मानिकपुर थाना प्रभारी मेरी कोई मदद नहीं कर रहे, क्योंकि सरकार में पीड़ित बेटी को लेकर जिले के अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद अब लखनऊ में अधिकारियों की चौखट पर पहुंचा। पीड़ित ने बताया कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आपकी हर संभव मदद होगी। पीड़ित पति ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी बेटी समेत आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा क्यों होता है कि दबंग लोग के टुकड़ों पर पल रहे पुलिस सहायता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं। पीड़ित रोज थाने के चक्कर लगा लगा कर अब हताश हो गया है। देखिए पीड़ित की जबानी। नाजिम, यहाँ सचिवालय किस लिए आए हो तुम? हम इसलिए आए हैं कि हमारे बीबी, हमारे बच्चे लापता हैं। 8 फरवरी को लापता है। 8 फरवरी से हम थाने कई बार गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमें भगा दिया जाता, कहते हैं जाओ दूसरी शादी कर लो, चली गई तो चली गई। नहीं तो तुम्हारी बीबी भाग गई है या किसी के साथ गई है या कोई भगा दिया है? नहीं, उनको साजिश करता जुबैर और उनकी माँ वकीमुन्निसा और बहन हिना, भाई अरमान और 2 जन जो मेन हैं वो शब्बीर और सलीम हैं। वो लोग कहते हैं कि जो हम थाने को खरीद लेंगे, जो 1-2 लाख लगेगा हम लगा देंगे, हम किसी को डरते नहीं, और हमारी बच्ची को जो है डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं जहाँ तेरी माँ है वहाँ छोड़ देंगे जो है, और यही सब मतलब हमको खूब डराते धमका कहते हैं कि जैसे हम चाहते हैं वैसे एप्लीकेशन नहीं दोगे तो तुम्हारी बच्ची को भी मार देंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। पता क्या है नाजिम तुम्हारा? मेरा गांव पनीगो है, थाना मानिकपुर है, तहसील कुंडा है, जिला प्रतापगढ़ है। तो मानिकपुर थाने पे दिया था एप्लीकेशन? मानिकपुर थाने पे दिया था एप्लीकेशन। अच्छा, बेटी को नहीं ले गई माँ? बेटी को भी लेके गए थे हम वहाँ पे। कहाँ गए थे? मानिकपुर थाने। अच्छा, तो क्या कहते हैं इंस्पेक्टर वहाँ के? वहाँ पे इंस्पेक्टर जो है वही इंस्पेक्टर साहब से जो मेन एसओ हैं उनसे दो बार मुलाकात हुई तो उन्होंने सिर्फ यही कहा हम दिखवा लेंगे। हाँ, जब अभी तक दिखवाया नहीं कुछ भी? अभी तक हमारे कोई गया ही नहीं, सिर्फ 1 दिन 2 ऐसे सिपाही गए थे और पूछ के ऐसे चले आए थे। उसके बाद बस यही आश्वासन मिलता है कि जाते जाते यानी कि जाओ दिखवा लेंगे, हम कहाँ जाएं, कितनी बार जाएं। तो लखनऊ किस लिए आए हो तुम? लखनऊ हम इसलिए आए हैं कि अगर हमारा माननीय जी यहाँ पे नहीं न्याय होगा तो हम अपनी बेटी को लेकर आत्महत्या कर देंगे। अच्छा, आत्महत्या करनी अच्छी बात नहीं है, न्याय मिलेगा तुम्हें, जरूर मिलेगा। और किसी से मिले उले यहाँ लखनऊ आके? लखनऊ हम जो है आए थे, मुलाकात हुई थी, आश्वासन मिला है। चलिए ठीक है। ये FIR हुई है तुम्हारी कि नहीं हुई है? एप्लीकेशन कौन सी दिखाओ? ये है, ये हम जब गए थे तो ये ENCR किया है। 8 तारीख को दिए थे तो 8 तारीख के बाद जो ये एप्लीकेशन है। तो क्या कहते हैं कुल मिला के इंस्पेक्टर साहब? कुल वो सिर्फ हम वहाँ जाते हैं, हमको वहाँ से बाहर वापस भेज दिया जाता है। अब हम इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं। SSP के पास गए थे? SSP जी जो है हम एक ऑनलाइन फॉर्म दिए थे जहाँ वहाँ से भी आया, लेकिन थाने से हमारी मदद नहीं हो रही पूर्ण रूप से, हमारी थाने से मदद नहीं। बिटिया मम्मी तुम्हें कुछ कह के गई थी? बोलो, तुमसे कुछ बता के नहीं गई? जो मम्मी को भगा के ले गए हैं पता है कौन कौन ले गया है? जुबैर, हाँ, शब्बीर और सलीम। चलिए ठीक है फिर आए। और ये लोग जो है शब्बीर, सलीम, ये लोग गुंडे टाइप के आदमी हमारी लड़की को आए दिन रोज हमें धमका रहे हैं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए।